हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए नया कुछ ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ सर्दियों के लिए काढ़ा बनाने, जो काफ़ी अच्छा होता है और इससे आप एक से दो बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सर्दी खांसी फीवर सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। इसके लिए मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं। इसे अच्छे से धुल करके, इसे धूप में ना सुखा करके, आप ऐसे ही इसे हवा के में 2 से 3 दिन के अंदर में सूख जाएगा। और इसे आप इस तरह से ग्राइंड कर लें, ग्राइंडर जार में डाल करके इस तरह से पाउडर बना लें। ये 4 से 5 चम्मच के लगभग पाउडर है, 3 से 4 चम्मच के लगभग। मैंने सौंफ लिए हैं, अजवाइन भी 3 से 4 चम्मच ही है। मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं, 20 से 25 लौंग हैं। यहाँ पे इलायची है, 8 से 10 इलायची, दालचीनी है। इन सबको आप रोस्ट कर लें अजवाइन को छोड़ करके। तो चलिए मैं यहाँ पर सूखे रोस्ट कर लेती हूँ इन सबको। लौंग को भी आप रोस्ट कर लें। लौंग को रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इलायची, लौंग, दालचीनी सबको रोस्ट कर लिए हैं। इस तरह से आप रोस्ट करें इसे धीमी फ्लेम पर। लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर में ये रोस्ट अच्छे से हो जाता है। उसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सी जार में आप इसे ग्राइंड कर लें अच्छे से। आप इसे कई दिनों तक, 2 महीने दिन तक आप इसे रखें तो भी ये ख़राब नहीं होगा। और मैं इसका काढ़ा भी बना करके आप लोग को अभी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इधर मैंने 1 गिलास पानी लिए हैं। इसे आप 1/2 गिलास होने दें, तब तक इसे गर्म करें, अच्छे से खौलाएं। इधर मैंने इसे अब ठंडा कर लेती हूँ। दोनों को ठंडा करने के बाद मैं मिक्सर जार में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, पाउडर बना लूँगी फाइन। आप देख सकते हैं इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दी है, इसे भी डाल दें। इधर मैंने सौंठ भी 3 से 4 चम्मच के लगभग लिए हैं। तो चलिए इसे हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इन सबको ग्राइंड कर लिया है। इसमें आप इसे ऐड कर ले इस तरह से। देखिए कितना फाइन पाउडर है इसमें तुलसी के। मैंने जो पाउडर बनाया उसे भी ऐड कर ले। ये सॉल्ट पाउडर है, इसे भी सबको मिक्स कर ले। आपका काढ़ा पाउडर तैयार हो गया। इधर आप देख सकते हैं मैंने पानी को भी खौला लिए हैं। आप इसी तरह से खौला पाउडर जो मैंने बनाए हैं इसे आप 1 चम्मच के लगभग इससे लेकर के सारे सामग्रियों को इसमें डाल दीजिए। आप देख सकते हैं इधर पानी भी खोल चुका है। इसे 2 मिनट के लिए आप इसी तरह से खूब अच्छे से इसे तेज़ और मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से खौला। तो चलिए मैं इसे अब आप लोग को छान करके दिखाती हूँ। आप इसमें बिल्कुल चीनी का यूज न करें। इसी तरह से इसे बराबर से चलाते रहें और अच्छे से इसे पकाए पूरी। इतनी ये असरदार नुस्खा है कि आप लोग अगर इसे दिन में 2 से 3 बार भी यूज कर लेंगे, सुबह शाम भी अगर आप 1-2 दिन तक पियेंगे तो आपकी सर्दी जुकाम ऐसे छूमंतर होगी कि मैं क्या बताऊं। घरेलू नुस्खा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इस तरह से आप भी इसे बनाएं। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा और पका लेते हैं, खोला लेते हैं इस तरह से। एक शीशे का गिलास ले, उसमें इसे इस तरह से छान ले। आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी डाले थे स्टील वाले गिलास से। इसे 1/2 गिलास के लगभग पानी बचा है। इस तरह पानी पूरे अच्छे से इसे सारे इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट हमें मिलनी चाहिए। आप लोग को पता ही है तुलसी की कितनी फायदे हैं। इसमें आप 1 चम्मच के लगभग हनी डालें और इसे गर्मा गर्म ही, हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसे सेवन करें। इस तरह से हनी निकाल लें 1 चम्मच के लगभग। ये बच्चे, बूढ़े, बड़े सबको आप इसे दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं इतना हनी इसके लिए पर्याप्त है। आप लोग भी इसे बनाए पिए और क्या फ़ायदा हुआ मुझसे शेयर करें। आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं इस काढ़े को, पाउडर को, और कई महीनों तक आप इसे यूज भी कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग को? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।